फ्रैक्चर हो गया अच्छा। चारेफ्ट हाँ। साइड तो फुलर थी मेरी पूरी लेफ्ट साइड वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे तीन दिन रखा तो जब उन्होंने देखा की मैं कोमा में जा रही हूँ मैं दो दो तीन तीन घंटे के लिए एकदम कोमा में चली जाती थी इन बरेली में मना कर दिया गया की आप लेके जाइए ये नहीं, बचे नहीं, हाँ, नहीं ये, बचेगी ये नहीं बचेगी सबने यही बोला था ऑपरेशन मेरा गड़बड़ हो गया था अच्छा हाँ तो क्या हुआ था रिस्पांस करना बंद कर दिया था मैंने सीधे जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा तब से मैं नियमित गायत्री उपासना कर रही थी मतलब मनी मन में मनी मन में गायत्री जब चल रहा था हनुमान चालीसा चल रही थी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हिमांशु भट्ट गायत्री मंत्र को दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र माना जाता है और इस बात को विज्ञान भी मानता है गायत्री मंत्र पर कई रिसर्चेज हुई हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि ये हमारी बुद्धि को बढ़ाता है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गायत्री मंत्र की साधना से हासिल ना की जा सके आज हमारे साथ है कृतिका त्रिपाठी इन्होंने गायत्री मंस मंत्र से अपनी हेल्थ को रिकवर किया है उस हेल्थ को जहाँ डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि शायद इन्हें लाइफ टाइम बेड रेस्ट करना पड़ सकता है बहुत बड़े एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा था कि इनका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है और ये कोमा में थी लेकिन इन्होंने अपने आप को 90 परसेंट से ज़्यादा रिकवर किया है और वो भी केवल गायत्री मंत्र से और हनुमान चालीसा से तो आज हम कृतिका से जानेंगे कि कैसे इन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की कैसे गायत्री मंत्र से इनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ और इनके साथ वो कौन सी बड़ी घटना घटी थी कृतिका आपको मेरा प्रणाम प्रणाम सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि वो कौन सी ऐसी घटना थी और कैसा एक्सीडेंट हुआ था और कब हुआ था कहाँ हुआ था 11 जून 2021 को मैं मैं शाहजहाँपुर की निवासी हूँ बेसिकली ग्यारह जून दो को मैं अपनी छोटी बहन और एक कज़िन के साथ घर से पाँच मिनट की दूरी पर गई हुई थी uh, ट्रैफिक था हम लोग डिवाइडर में बीच में खड़े हुए थे तक पीछे अचानक से एक कार आई जो कि शायद 140 की स्पीड पे थी और लेफ्ट साइड से टक्कर मार के आगे को जाने लगी लेकिन टक्कर उसने जैसे ही मारी गाड़ी बंद हो गई वहाँ पे जब गाड़ी की टक्कर से मैं 25 फीट उछल के और वापस नीचे गिरी वापस कार पे गिरी तो उससे उस मेरी गर्दन में फ्रैक्चर हो गया और स्कूटी की टक्कर से मेरा हाथ और पैर दोनों ही फ्रैक्चर फ्रैक्चर दोनों के पैर फ्रेक्षर, गर्दन फ्रेक्षर और? अच्छा चार जगह से हाँ और ये लेफ्ट साइड तो फुल फ्रैक्चर थी मेरी पूरी लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ चोटे थी जैसे कहीं कहीं पर मास्क फट गया था वहां से लेकिन तो डॉक्टर के यहाँ लेके गए सिविल सबसे पहले सिविल ही जाते हैं बेसिकली एक्सीडेंट्स के सारे सिविल लेके गए वहाँ पे मना कर दिया गया कि नहीं यहाँ नहीं आप कहीं और लेके जाइए फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है हमारे शाहजहाँपुर में सत्यानंद हॉस्पिटल वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे तीन दिन रखा तो जब उन्होंने देखा कि मैं कोमा में जा रही हूँ मैं दो दो तीन तीन घंटे के लिए एकदम कोमा में चली जाती थी और मतलब पता होता था कि कहाँ क्या हो रहा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं होता था सामने से कुछ तो फिर जब डॉक्टर्स ने बोला कि हमारे बस की नहीं है फिर हम लोगों ने बरेली में पता किया कई हॉस्पिटल्स में लेकिन बरेली में ही मना कर दिया गया कि आप लेके जाइए ये, बचे ये, ये नहीं बचेगी हाँ ये ये नहीं बचेगी सबने यही बोला था फिर हम लोग पहुँचे लखनऊ के जी एम सी हॉस्पिटल कितने दिन बाद ये दस पंद्रह दिन इसी में चले गए अच्छा दस पंद्रह दिन कोई ट्रीटमेंट नहीं मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था वही वो ड्रिप लगा रहे हैं इंजेक्शन दे रहे हैं पेन कर लेकिन पेन बंद नहीं था क्योंकि मेरी पैलवी में इंटरनल ब्लीडिंग भी चल रही थी और मेरा हीमो, हीमोग्लोबिन रह गया था थ्री पॉइंट केवल तो डॉक्टर्स को वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम हीमोग्लोबिन में जब आपकी गर्दन ही फ्रैक्चर है लेफ़्ट साइड पूरी फ्रैक्चर है तो कि शायद आप ना ही बच पाएँ फिर के जी में जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया मेरा तो वो लोग ऑपरेशन के लिए नहीं तैयार हो रहे थे उन्होंने बोला अगर ऑपरेशन करते हैं तो मेरे साथ ट्वेंटी फोर पेशेंट से जिनकी सर्जरीज हुई थी अच्छा। नेक की जब नेक की सर्जरी हुई तो उन्होंने बोला कि या तो ये पैरालाइज हो जाएगी वरना आवाज़ चली जाएगी या फिर बचेगी ही नहीं केवल वन परसेंट चांस था लेकिन मेरे पिताजी गायत्री उपासक हैं अभी से नहीं हम लोग मेरे दादाजी के टाइम से गायत्री परिवार शांति शांतिगुंज से जुड़े, जुड़े हुए हैं तो उन्होंने बस गायत्री माता का नाम लेके और महाकाल का नाम लेके ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी बत मतलब मेरे भाई बहन और कज़िन साथ में तो बता रहे थे लिटरली कि हाँ उस समय सिचुएशन ये थी कि पता नहीं उन्होंने कैसे हाँ कर दी जब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि बचेगी भी नहीं फिर जब उन्होंने हाँ की सर्जरी स्टार्ट हुई सर्जरी के बीच में ही वो लोग आपको एनस्थीसिया देते जब आपकी सर्जरी होती तो एनस्थीसिया दिया गया पता चल रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है बट वही है रिस्पॉन्स नहीं कर सकते कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं था देखा कि हाँ वहाँ पे आसपास पहले बात तो वो सर्जरी वो जब आपको स्ट्रेचर से सर्जरी जहाँ पे होती है उस ओ बेड पे जब ट्रांसफ़र करते थे तो वहीं पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई hmm. क्योंकि वो ना हाथ के थ्रू पकड़ सकते थे ना पैर के थ्रू पकड़ सकते थे लोगों ने शिफ्ट किया तो जे आर वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं जे आर ऑपरेशन कर कर रहे थे एक एस आर थे वहाँ पर ऑपरेशन मेरा गड़बड़ हो गया था अच्छा हाँ तो क्या हुआ था रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था मैंने तो कोमा में पूरा हाँ ऑन कोमा में थी और फिर जब डॉक्ट बाहर से उन्होंने अपने सीनियर प्रोफेसर होते हैं वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है के जी एम सी सीनियर ऑफिसर को बुलाया मतलब सीनियर जो डॉक्टर्स थे सीनियर डॉक्टर आए तो उन्होंने देखा कि हाँ कुछ गड़बड़ है और मतलब मुझे लग रहा था कि मैं साइड में खड़ी होकर देख रही हूँ वो हाँ। मतलब मेरी बॉडी वहाँ पर है ही नहीं मेरे साथ में फिर मतलब डर तो अंदर चल ही रहा था लेकिन मेरे पिता ने सीधे जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा तब से मैं नियमित गायत्री उपासना कर रही थी मतलब मनी मन ही मन में मन ही मन में गायत्री जब चल रहा था हनुमान चालीसा चल रही थी क्योंकि आपको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं पॉजिटिविटी देते हैं कि हाँ शायद आप ठीक रहो जब मैं रेफर हो रही थी मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं साथ वापस आऊँगी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पिताजी को विश्वास था कि हाँ गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा के थ्रू ये, ये इम्प्रूव हो, हो सकती है मैं इम्प्रूव हुई फिर जब मेरे साथ चौबीस लोगों की सर्जरीज हुई थी हाँ। तो किसी का नीचे का धड़ पैरालाइज था किसी की आवाज़ चली गई किसी की डेथ हो गई लेकिन उसमें से केवल हम ही ऐसे थे जो बोल भी रहे थे और जिसकी नेक की सर्जरी के बाद भी वो जो खाने पानी के लिए हाँ विंड पाइप लगाते हैं वो कुछ नहीं था मेरे फूड पाइप फूट पाइप कुछ नहीं था मेरे और धीरे धीरे रिकवरी होना स्टार्ट हुई फिर अब मेरी नेक की सर्जरी तो हो चुकी थी लेकिन फिर भी पेन इतना था कि मैं मुझे करवट लेने में क्योंकि मेरे हाथ और पैर वैसे ही थे फ्रैक्चर थे तो हम लोगों ने के जी एम सी में वहाँ मेडिकल कॉलेज तो वहाँ पे इतने भयंकर केस आते किसी के हाथ कटे होते हैं किसी के पैर कटे होते हैं तो ऑब्वियसली वो फ्रैक्चर से पहले उसे प्रायोरिटी देंगे अपनी तो वहाँ पे हम लोग कम से कम एक हफ्ता हम लोगों ने वेट किया फिर जब पापा ने देखा कि मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं हम क्योंकि इतनी सारी इतनी सारी पीड़ मतलब पीड़ाएँ थी मेरी इतनी सारा दर्द था उससे रात में भी हम चिल्लाए लगते कि मत करो मत करो ऑपरेशन मत करो मत छुओ तो फिर पापा वापस मुझे सत्यानंद ले आए शाहजहाँपुर जहाँ के हम निवासी हैं शाहजहाँपुर में फिर अब कोई डॉक्टर ये तैयार नहीं हो रहा था कि अगर आपको एनस्थीसिया दिया जा चुका है तो आपको एनस्थीसिया दोबारा वो नहीं देंगे जल्दी ही लेकिन मेरा दोनों ऑपरेशन के बीच में केवल दस दिन का गैप था अच्छा तब भी वो तैयार नहीं हो रहे डॉक्टर्स की हाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है तो पहले में चुकी हाँ पहले कॉमे में जा चुकी थी तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है फिर खैर सर्जरीज हुई हाथ पैर दोनों की एक साथ ही हुई थी और धीरे धीरे करके करीब एक हफ्ता हाथ पैर की सर्जरी के बाद भी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट रही मैं और फिर घर आई लेकिन मेरा गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा नियमित चल रहा था नियमित चल तो इतना रहा बड़ा था एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने क्या कहा खड़े होके खुद से चल भी गारंटी नहीं थी गारंटी तो बचने की भी नहीं थी ढाई से तीन साल में उन्होंने बोला था कि हाँ ये और मेडिसिन तो बोले थे कम से कम दस साल तक जाएगी हाँ। लेकिन आज मैं एक भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ हाँ। सत्यानंद हाँ। तो तीन, महीने। तीन महीने सत्यान। सर्जरीज हो चुकी है अच्छा अभी दो बाकी मंत्र कैसे शुरू किया कब शुरू किया और कितने कितना दिन में जपते थे मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ तो गायत्री मंत्र तो हम लोग बचपन से ही वैसे जबते हाँ। आते हैं लेकिन देव संस्कृत विश्वविद्यालय दे के छात्रों की विशेषता है कि वो गायत्री मंत्र के थ्रू ही अपना अपनी, अपनी अपना गुस्सा अपनी फ्रस्ट्रेशन सब हाँ। शांत हो जाता है तो वैसे तो मैं नियमित षटकर्म के बाद गायत्री मंत्र का कर जब करती हूँ प्रॉपर गायत्री मंत्र जब नॉर्मली हाँ फिर आपका ये है कि जब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक है ना कि आप माता पिता से कभी भी कैसे भी बात हाँ। कर सकते हैं तो वो गायत्री तो माँ है हमारी हाँ। तो बस बेड पर मेरी ये सिचुएशन में नहीं थी कि मैं करवट तक ले सकूँ या कोई मुझे करवट दिलवा दे सर एक देखिशन में एक ही पोजिशन थी और मैं करीब डेढ़ महीने वो पोजिशन चेंज करने को डॉक्टर ने ही मना की थी डेढ़ महीने तक एक पोजिशन में कोमा 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 में 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 तो उसी रिएक्ट नहीं कर सकते थे लेकिन बीच बीच में होश आता था कि हाँ तब पापा को लगता था कि हाँ ये ठीक है रिस्पॉन्ड कर रही है लेकिन डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि हाँ भाई उम्मीद बिल्कुल नहीं है तो आप सर्जरीज करवा लें या कुछ भी करवा लें आपकी मर्जी आप अपना ट्राई कर लो लेकिन मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है तो गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा जपने के कितने टाइम बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ देखिए गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा जपने के कितने टाइम बाद ये तो आपको मैं एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकती हाँ। क्योंकि जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एडमिट करने से ही मना कर देते थे तो फिर हमारे यहाँ के कुछ गणमान्य लोग हैं उन्होंने कॉल वगैरह किया तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ा ऊपर से तब हॉस्टल में एडमिशन मिला कि भाई सीरियस केस है हम नहीं लेते हमारे हॉस्पिटल की बदनामी होगी हाँ। हमारे जे आर एस आर को बोला जाएगा कि आप इस काबिल नहीं है कि एक पेशेंट को ही बचा सकें तो इम्प्रूवमेंट होना तो वहीं से दिख गई थी फिर जब धीरे धीरे सभी ने देखा कि हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का ही प्रभाव था हाँ। तो जब तुम इम्प्रूव हो गई एक साल भी नहीं हुआ तो डॉक्टर से क्या रिएक्शन है जब उन्होंने कहा था कि ढाई से तीन साल लगेंगे अपने पैरों पे चढ़ने चलने में हाँ, वो भी गारंटी नहीं है हाँ, और दस साल तक मेडिसिन खानी पड़ेगी लेकिन आज आप अपने पैरों पे चल रहे हो एक साल ही हुआ है हाँ, और मेडिसिन नहीं लेते हो तो अब डॉक्टर से क्या रिएक्शन है डॉक्टर्स को यकीन ही नहीं होना कि आपने बेटा ये कैसे कर लिया वो बोल रहे हैं मेंटली है इतनी स्ट्रांग है और मेंटली स्ट्रांग हम तभी है क्योंकि गायत्री मंत्र का जब नियमित चलता है आज भी आज है। आज भी भी नियमित नियमित है है तीन संध्याएं होती हैं क्योंकि दोपहर में मैं, मैं जॉब कर रही हूँ हाँ। केवीएस वी शाहजहांपुर में तो हाँ। नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि गायत्री मंत्र को जपने का एक प्रोसेस होता है किताबों में भी अलग अलग बड़े बड़े लिखे गए हैं तो तुमने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया या लोगों को कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए देखिए मेरा तो ये मानना है कि अब आज की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि अगर आप वो डेढ़ घंटे पूरा मतलब पूरा प्रोसेस पूरा है। प्रोसेस है उसको आप नहीं कर सकते हैं तो आपको जितना टाइम मिल रहा है ये भी कहा कि आप अगर ज़्यादा बिजी हैं तो एटलीस्ट गायत्री मंत्र छोटा सा ही एक मंत्र हाँ। है प्रभावशाली बहुत है वो अलग बात है तो कम से आप घर से निकलते इसमें ग्यारह बार जप लें क्योंकि जब आप जॉब में होते हैं आप इतने बिजी होते हैं तो आप उसको प्रॉपर नहीं कर सकते हैं हाँ। तो मेरा तो यही है कि मैं सटकर्म के बाद गायत्री मंत्र अपना कर लेती हूँ जैसा समय होता है हनुमान चालीसा भी रेगुलर है तो कैसे फील हुआ था आपको मतलब फील होती है ना एक चीज़ कि मैं इम्प्रूव हो रही हूँ कुछ चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा तो क्या आपको उस टाइम में फील होने लगा था कि हाँ गायत्री मंत्र का प्रभाव तो पड़ रहा है अब ये तो फील तो कर नहीं पाते थे हाँ इसलिए ये फील होना स्टार्ट हुआ था सर्जरी के बाद से अच्छा हाँ, तो हाँ, कैसे वो फीलिंग आनी शुरू हुई हाँ सर्जरी मैंने बताया था अभी कि सर्जरी मेरी कुछ गड़बड़ हो गई थी बाद में जब सीनियर डॉक्टर्स आए तब उन्होंने सर्जरी की तो उसमें लिटरली मुझे ये फील हुआ कि गायत्री मंत्र तो अंदर चल ही रहा था आप जब गायत्री मंदिर लगातार कर मतलब जप रहे होते हैं तो आप जब बोल भी रहे होते हैं, कुछ आपके दिमाग में वही चल रहा होता है तो वो सर्जरी चल रही थी मुझे पता चल रहा था कि हाँ कुछ है कुछ है फिर एक टाइम ये आया कि मुझे लगा कि मेरी बॉडी अलग हो गई है हाँ। मेरी आत्मा से तो उसमें मतलब एक वो सीन बस आँखों के आ गया है कि हाँ मेरे माँ पिताजी दोनों बैठे हुए हैं गुरुदेव और माता जी के सामने हाथ करके और बस एक छोटी सी कुछ लाइट सी उनके हाथों में आई तो अभी ये विश्वास कहिए या जो कहिए कई लोग इसे अंधविश्वास भी कहेंगे लेकिन जिनके साथ होता है उनके लिए तो ये विश्वास ही है और दुनिया के लिए चमत्कार है क्योंकि जब डॉक्टरों ने हार मान ली थी मां गायत्री तो साधना से और हनुमान चालीसा के पार्ट से रेगुलर पार्ट से आप रिकवर हुए जी और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि मेरे एक्सीडेंट के चार महीने बाद मेरे बी एड लास्ट सेम के एग्जाम लगे हुए थे अच्छा और मैंने वो एग्जाम्स दिए अपने आप बिना राइटर आप। के मतलब चार महीने बाद जबकि डॉक्टर ने कहा था कि ढाई साल लगेंगे खड़े में हाँ, में चलने में, हाँ, भी सारे काम करने मैं में मैं चार महीने में अपने आप बैठने लगी थी कि हाँ मैं बैठ नहीं पाती थी क्योंकि कोई नर्व सिस्टम आज भी मेरी वो है फिट्स वगैरह आज भी कभी कभी आ जाते हैं तो आज जब डॉक्टर देखते हैं तो आप वो क्या कहते हैं कितने टाइम दवाई अगर जो भी दवाई चल रही है कोई भी ट्रीटमेंट होगा तो क्या कहते हैं कितने टाइम तक अब ये चीज चलेगी बोलते हैं कि आप मेडिसिन लो आप ट्रीटमेंट लो फिजियोथेरेपी बताई गई थी मैंने फिजियोथेरेपी नहीं की है डॉक्टर ने जो बताया कुछ नहीं किया <laughs> नहीं किया वो डांट आज भी पड़ती है माँ पिताजी से कि हाँ तुमने कुछ ज्यादा लापरवाही कर ली लेकिन अब आप बस यही देखिए कि आज मैं केवीएस में टीचर हूँ और मॉर्निंग छह बजे जाना रहता है वही दोपहर में एक दो बजे तक छुट्टी होती है हाँ। मैं अपने आप खुद का ध्यान तो रखी नहीं लेकिन अपने बोलते हैं तो ना सेल्फ हाँ। डिपेंड हाँ। अब मैं सेल्फ डिपेंड भी हूं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद हाँ। हाँ। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि शायद बचना मुश्किल मुश्किल होगा एक परसेंट चांस भी नहीं था जी। तो वहाँ पर आज सेल्फ डिपेंड हो और दूसरी बात यह है कि विज्ञान को और अध्यात्म या कहें मंत्र जाप को साथ लेकर चल रहे हो इसलिए धन्यवाद कृतिका धन्यवाद